दोस्तों फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे वॉचो टीवी ऐप की। वॉचो टीवी ऐप में क्या है कि आप मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म कंटेंट एक ही ऐप में वॉच कर सकते हैं, तो आप काफी सारा इसमें पैसा सेव भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे प्लान आपको मिल जाएंगे। वॉचो मैक्स है, इसमें आप 16 ऐप्स देख सकते हैं। इसके अलावा साउथ मैक्स है, इसमें 19 ऐप्स एक ही प्लान में आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ्लेक्सी 3 प्लान भी है जो आपका पड़ेगा अराउंड 229 रुपीज का। तो इसमें 13 ऐप्स का तो बेस प्लान है जिसमें वॉचो ऐप है, एक फैन कोड है आपका, इसके अलावा शिमारूमी है, डिस्कवरी प्लस है। इसके अलावा 3 ऐप्स और ऐड कर सकते हैं आप। जैसे इसमें ऐड करेंगे आप तो इसमें आप सोनी लीव, डिज्नी हॉटस्टार, G5 भी ऐड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो दोस्तों मैं इसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। जो वॉचो का आपका 229 का प्लान है इसको हम सब्सक्राइब करेंगे वीडियो में, और इसके डिफरेंट ओटीटी ऐप्स के जो कंटेंट है उसको वॉच करेंगे, उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे। इसके अलावा क्या क्या फीचर इसमें मिलते हैं वो भी हम चेक करेंगे। दोस्तों वॉचो टीवी की तरह ही एक मल्टी ओटीटी प्लेटफॉर्म की ऐप है, टाटा प्ले बिंज की ऐप है, जिसमें आप मल्टी ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट एक ही ऐप में वॉच कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं और इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इसकी डिटेल्स हम चेक करते हैं। वॉचो ऐप को सब्सक्राइब करने के लिए पहले सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से वॉचो ऐप को। वॉचो टीवी ऐप है, डिश टीवी नेटवर्क की ऐप है जो कि आपका डीटीएच आपका सेट टॉप बॉक्स आता है, आप उसे लाइव टीवी चैनल देखते हैं उसी नेटवर्क की ऐप है। तो यहाँ से सर्च करते हैं प्ले स्टोर है वॉचो, तो ये वाली एप्लीकेशन है, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब आपको क्या करना, सबसे पहले किसी मोबाइल नंबर से इसमें आप लॉगिन कर लीजिए। तो इसमें लॉगिन कर लेते हैं, पहले साइन इन साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पर कर लेते हैं, एक मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन कर लेते हैं। इसमें मैंने अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लिया है, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें वॉचो का एक आइकन है, इस पर टैप करना है तो आपको डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, प्लान्स वगैरह आ जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन है, मंथली का और ईयरली प्लान का। जो आपका टाटा प्ले बिंज था उसमें मंथली प्लान ही शो हो रहा था। इसमें जैसे डिफरेंट साउथ मैक्स है, फ्लेक्सी 3 प्लान है, इसमें फ्लेक्सी 3 प्लान है, इसमें हम 3 एप्लीकेशन और ऐड कर सकते हैं। बेस प्लान आप देख सकते हैं टोटल 13 ऐप्स हैं, 3 ऐप और ऐड हो जाएंगे यानी टोटल 16 ऐप हो जाएंगी। तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं, आप देख सकते हैं सोनी लीव का ऑप्शन है, G5 है और डिज्नी हॉटस्टार पॉपुलर ऐप में ऐड कर लेता हूँ, डन कर देता हूँ। तो मंथली पे हम सब्सक्राइब करते हैं। इसके बाद में अगर डू यू हैव एनी कूपन, तो पहले इसमें कूपन वगैरह आते थे, उसमें ऑप्शन मैंने सर्च किया मिल नहीं रहा है। एक ओनली 149 रुपीज़ में कुछ कूपन आ रहा है वॉचो 149, उसमें एक मंथ का कुछ फ्री मिलता है प्लान आपको। तो अभी तो मेरे पास कोई कूपन नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही यहाँ पर सब्सक्राइब कर रहा हूँ, पे 229। इसके बाद में आप कोई भी अपनी फ़ोन बैंकिंग ऐप से इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे से मैं कर लेता हूँ। सेटअप ऑटो पे करना पड़ेगा आपको, तो सेटअप ऑटो पे इसमें हो जाएगा, उसके बाद ही पेमेंट होगा आपका। इसमें 229 का ही ऑटो पे हो रहा है, और टाटा प्ले बिंज में क्या है कि जस्ट डबल का करता है। जैसे कि अगर किसी को 199 का प्लान लेना है तो वो 400 रुपीज़ का ऑटो पे कर देता है, तो बहुत सारे लोगों को इशू आता है उसमें। ये इन्होंने सही किया है कि ऑटो पे उतने रुपए का रखा है जितने रुपए का आपका प्लान है। इसके बाद में सेट ऑटो पे करते हैं और पेमेंट करते हैं, ऑटो पे सेट सक्सेसफुली, डन कर देते हैं इसे। यू हैव नाउ सब्सक्राइब टू फ्लेक्सी 3, स्टार्ट डेट एंड डेट ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद ट्रांजेक्शन अमाउंट भी आ रहा है आपका, ये डेबिट भी हो गया अमाउंट 229 का, SMS भी आ गया, इसको डन कर देते हैं। अब इसको मैं अपने जो क्रोम कास्ट गूगल टीवी वाली डिवाइस है मेरी, उसमें इसको डिफरेंट ओटीटी ऐप्स को प्ले करके आपको डिटेल्स आपको बता देता हूँ। मैं सारा सेटअप अभी एंड्रॉयड टीवी में करके बता रहा हूँ, तो एंड्रॉयड टीवी में मैंने वॉचो टीवी को इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ से इंस्टॉल। इसके बाद ओपन कर लेते हैं इसको ऐप को, इसके बाद में इसमें साइन इन कर लेते हैं उसी नंबर से जिससे आपने मोबाइल में सब्सक्राइब किया था। साइन इन विद मोबाइल नंबर, साइन इन विद पासवर्ड, तो मोबाइल से साइन कर लेते हैं। मैंने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लिया ऐप में। अब इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं हॉट स्टार, G5, सोनी लीव, ये तो सब्सक्रिप्शन में है, डिस्कवरी प्लस भी है, तो ये सब आपके ऑप्शन हैं। तो इसको जैसे कुछ प्ले करके देखते हैं, हॉट स्टार को प्ले करते हैं, इसे वॉच करते हैं, शो टाइम, वॉच नाउ। तो डिज्नी हॉट स्टार अपने आप ही ये चला गया कंटेंट और वहाँ से प्ले हो रहा है, हो सकता है वहाँ से इसका सब्सक्रिप्शन भी ऐड हो गया होगा। लॉगिन और साइन अप टू कंटिन्यू, तो इसी नंबर से हम लॉगिन करके देखते हैं जिसे मैंने वॉचो का सब्सक्रिप्शन लिया था। वॉच एपिसोड 1 देखते हैं काम करता है नहीं करता, सेम ही नंबर से सब्सक्राइब किया था मैंने, तो ये काम कर रहा है दोस्तों। इसमें उसमें क्या हो रहा था कि टाटा प्ले बिंज में हर एक ऐप को मुझे लॉगिन करने के लिए पहले टाटा प्ले बिंज ऐप से ही क्लिक करना पड़ रहा था उस ऐप को, तब जाके वो लॉगिन वहाँ से ऐड हो रहा था। हॉट स्टार में खैर सेम ही नंबर से लॉगिन हो रहा था, बाकी सोनी लीव और G5 में उसी ऐप से हो रहा था। तो यहाँ पे स्किप इंट्रो कर देते हैं। क्वालिटी भी मुझे लगता है काफ़ी ठीक आ रही, देखते हैं इसमें आपको फुल HD या 4K क्या मिल रहा है। ऑटो क्वालिटी में जाके देखते हैं,
क्वालिटी आपकी फुल एचडी है इसमें, मेरे हिसाब से सुपर प्लान ही इसमें दिया जा रहा है आपको, क्योंकि अगर 4K होता तो 4K का ऑप्शन इसमें आता। G5 को प्ले करके देख लेते हैं, वॉच नाउ, तो G5 ऐप में प्ले हो गया कंटेंट आपका सीधे। अब G5 के ऐप में चेक कर लेते हैं, ये लॉगिन है उससे लिंक हो गया है, आपको मोबाइल से लॉगिन करना पड़ेगा। तो G5 के ऐप को ओपन करके देखते हैं। अच्छा, इसमें सीधा प्ले हो रहा है G5 के ऐप में, जबकि लॉगिन में दिखा रहा है कोई और लॉगिन है नहीं उसमें, तब भी इसमें कंटेंट प्ले हो जा रहा है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे साइन इन में अभी कोई साइन इन नहीं है, लेकिन कंटेंट फिर भी प्ले हो रहा है इसमें। जैसे कुछ और प्ले करके देख लेते हैं, वॉच नाउ, तो ये भी कंटेंट आपका प्ले हो जा रहा है इसमें। क्वालिटी इसकी चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। ऑटो का ऑप्शन है, यानी 4K शायद इसमें भी नहीं आ रहा। प्लेयर स्टेट में आप देख सकते हैं 1920 यानी 1080 यानी फुल एचडी में ही प्ले हो रहा है। और अगर इसमें लैंग्वेज में जाके देखते हैं तो लैंग्वेज में आपको 5 वगैरह इस ऑप्शन आपको मिल जाता है, एटमोस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये तो आपका हो गया G5 का। अब सोनी लिव को भी देख लेते हैं, वॉच नाउ, सोनी लिव में डायरेक्टली कंटेंट जाके प्ले हो गया आपका एप्लीकेशन के अंदर जाके। इसमें प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, मेरे हिसाब से प्रोफाइल कुछ क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जैसे कुछ डाल देते हैं इसमें नाम, बाकी डिटेल्स हम बाद में डाल लेंगे, हम कंटिन्यू कर देते हैं इसको। इसके बाद में क्रिएट प्रोफाइल कर देते हैं, कंटेंट आपका प्ले हो गया यहाँ पे। इसके अलावा अगर क्वालिटी वगैरह देखते हैं सेटिंग्स में जाके, तो वीडियो क्वालिटी आपकी फुल एचडी है। इसके अलावा कुछ और कंटेंट देख लेते हैं, 4K का कंटेंट देखते हैं कुछ प्ले होता है क्या इसमें। सोनी लिव में कुछ मूवीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि 4K में भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं मूवी 4K में अवेलेबल है सोनी लिव में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है ये मूवी। इसका मतलब कुछ कंटेंट सोनी लिव में आप 4K में वॉच कर सकते हैं। सोनी लिव में आप वो भी देख पाएंगे मेरे हिसाब से लाइव टीवी वगैरह अगर आएंगे तो। अभी कोई लाइव मैच आ नहीं रहा है शायद, तो ये मैं बता नहीं पाऊंगा, बाकी लाइव मैच इसमें चल जाएगा। G5 में देख लेते हैं लाइव टीवी का ऑप्शन आता है नहीं आता, क्योंकि टाटा प्ले बिंजो जो जी ऐप थी उसमें लाइव टीवी नहीं आ रहा था। तो इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें आपका जैसे न्यूज़ चैनल हो गए, कुछ एंटरटेनमेंट चला के देख लेते हैं, G TV HD इसको प्ले करते हैं। तो इसमें आपको लाइव टीवी का ऑप्शन मिल जाता है वाचो ऐप में। आपका जो टाटा प्ले बिंजो ऐप के थ्रू G5 का सब्सक्रिप्शन था उसमें आपको लाइव टीवी नहीं आ रहे थे। इसके अलावा न्यूज़ चैनल्स वगैरह भी काफ़ी आपको मिल जाते हैं इसमें, आप देख सकते हैं जी के न्यूज़ चैनल्स भी अवेलेबल हैं। अब जो वाचो ऐप है उसमें भी कुछ बताता हूँ आपको, लाइव टीवी चैनल से कई ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपकी टाटा प्ले बिंज ऐप में आपके अवेलेबल नहीं है। जैसे वाचो ऐप में अगर जाते हैं, अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में लाइव टीवी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लाइव टीवी चैनल्स अवेलेबल हैं। और कई सारे तो फ्री लाइव टीवी चैनल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके जी न्यूज़ है, 9X है, रिपब्लिक भारत है, इंडिया न्यूज़, नेशनल, DD नेशनल है, टाइम्स नाउ, नवभारत, तो ये सारे आपके फ्री लाइव टीवी चैनल्स हैं। इसके अलावा कुछ आपके म्यूजिक चैनल्स हैं, हिंदी न्यूज़ चैनल्स हैं। इसके अलावा G5 के कई चैनल्स आपको मिल जाएंगे, न्यूज़ के, मूवीज़ के और एंटरटेनमेंट के चैनल मिल जाएंगे। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार से भी कुछ लाइव कंटेंट आ रहा है, तो अगर लाइव अगर कोई मैच आएगा तो वो भी आप शायद देख पाएंगे, मुझे लगता है कि उसमें अवेलेबल है आपका। जैसे इसको प्ले करके देखते हैं, ये मुझे लगता है लाइव ही चल रहा है अभी, बांग्लादेश इंडिया का ये शायद क्रिकेट मैच चल रहा है, वुमेंस क्रिकेट मैच चल रहा है, ये आपका लाइव चल रहा है। तो लाइव आप यहाँ पे स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार के थ्रू। फैन कोड एक OTT ऐप है, इसके थ्रू भी कुछ लाइव कंटेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं, वो भी आप वॉच कर सकते हैं फैन कोड के थ्रू। ETV विन, ये भी कुछ लाइव टीवी चैनल्स अवेलेबल हैं ETV के। इसके अलावा शिमारू के कुछ लाइव टीवी चैनल्स हैं, तरंग है, संस्कार के हैं, सन नेक्स्ट के, एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड, ये DD नेशनल के कुछ आगे जैसे DD भारती वगैरह। इसके अलावा रीजनल कुछ हैं, नेशनल के कुछ आगे चैनल, म्यूजिक TV कुछ आगे आपके। तो यानी कि आपका इसमें वाचो में लाइव टीवी चैनल्स के कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो टाटा प्ले बिंज में ऐप में इतना ऑप्शन नहीं थे। इसके अलावा अगर इसमें होम में जाते हैं तो देख सकते हैं इसमें वाचो के भी कुछ कंटेंट आपको मिल जाते हैं। ये तो डिफरेंट ऐप के थ्रू दिखा रहा है ये कंटेंट, और वाचो के थ्रू भी इसमें आ जाते हैं, ब्राउज कर सकते हैं आप देख सकते हैं कुछ वाचो के खुद के भी इसमें एपिसोड है। मुझे लगता है अब ये वाचो का जैसे ओरिजिनल कुछ सीरीज़ वगैरह है ये भी ये बनाता है वाचो, तो ये भी आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। डिज्नी हॉटस्टार की ऐप है, उसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। वो सीधे यहाँ प्ले होता है या फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको ऐप के अंदर में, गोस्ट एडवेंचर वॉच नाउ, तो यहीं पे प्ले हो जा रहा है। तो अब डिस्कवरी प्लस ऐप में जाके देखते हैं, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ये ऐड हो गया है या फिर आपको मैनुअली मोबाइल नंबर से ऐड हो जाता है, वो भी चेक करके देख लेते हैं। डिस्कवरी प्लस में मैंने सेम ही मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जिसने वाचो से मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो ये प्ले नहीं हो रहा है अलग से ऐप में, आपको वाचो ऐप के अंदर ही कंटेंट प्ले करके देखने पड़ेंगे।
इसमें डिस्कवरी प्लस ऐप में जो क्वालिटी है मुझे लग रहा है थोड़ी बेटर आ रही है आपका टाटा प्ले विंज ऐप के कंपैरिजन में। वहाँ पे जो कंटेंट में वॉच कर रहा था ऐप के थ्रू तो उसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, एसडी जैसी लग रही है, लेकिन इसमें प्योर एचडी जैसी क्वालिटी इसमें शो हो रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको वाचो ओटीटी ऐप के बारे में बताया, उसमें 229 का मैंने प्लान सब्सक्राइब किया, उसके डिफरेंट ओटीटी के जो एप्लीकेशन उनको प्ले करके उनकी क्वालिटी हमने चेक करके देखी। इसके अलावा इसमें लाइव टीवी चैनल्स के भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम वाचो टीवी को कंपेयर करेंगे जो आपका टाटा प्ले बिंज ऐप है उसके साथ में, उसमें आपको क्या फीचर एक्स्ट्रा या कम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसके सारे फीचर्स को हम कंपेयर करेंगे, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।